कबीर सात समुंदर की मसी करू लेखनी करू बनी राय धरती का कागज करू गुरु गुण लिखाना जाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में क्या क्या व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसे आज यहाँ पर संत गरीब दास जी की वाणी का अमृत अखंड पाठ चल रहा है और यहाँ पर हम आपको ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से हर दिन की 6 से 8 सितंबर तक की पूरी जानकारी देंगे और यहाँ पर हम आपको मौजूद सेवादारों से बात भी करेंगे और हमारे साथ एक सेवादार मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या कार्य कर रहे हैं? भगत जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 दिन का अखंड पाठ रखा गया है जिसके सानिध्य में यहाँ पे पार्किंग सेवा की जा रही है। यह रामपाल जी महाराज के द्वारा बिल्कुल फ्री पार्किंग सेवा है, ये भक्तों की सुविधा के लिए रखी गई है ताकि यहाँ पर मोटरसाइकिलों की चोरी ना हो और भक्त अच्छी तरह से सत्संग का आनंद ले सकें। तो ये जो पार्किंग यहाँ पर चल रही है, दिन रात चल रही है या अभी दिन दिन में ही चलती है? नहीं भगत जी, ये 24 घंटे चलती रहती है। जैसा कि हम यहाँ मेन गेट पर खड़े हैं और यहाँ पर जो लोगों के आने का तांता रुक नहीं रहा है, लगातार लोगों के आने की संख्या बढ़ रही है। लोग आप देख सकते हैं भारी बसों में भी आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं और कुछ लोग मोटरसाइकिल द्वारा भी आ रहे हैं, कुछ बसों से आ रहे हैं और बहुत से लोग ट्रेनों के द्वारा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादारों की भी ड्यूटी लगी हुई है। आइए, हमारे पास एक सिक्योरिटी सेवादार खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये आपकी जो सेवादार की ड्यूटी लगी हुई है, आप थोड़ा बताएं आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? सर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हजारों सैकड़ों में यहाँ पे लोग आ रखे हैं और जगत के लोग भी आए हैं, भगत लोग भी हैं यहाँ पे। और हमारी जो सेवा है यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेवा है यहाँ पे इसलिए लगी है क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उनकी तलाशी हो रही है कि कोई मतलब कोई बीड़ी सिगरेट जर्दा अंदर ना जाए करके और शांति व्यवस्था बनाए रखे। हमारे साथ एक संत रामपाल जी के श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? दयानंद दास। दयानंद दास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार गोपालगंज से आया। बिहार, इतने दूर से आप आए हैं, आप कब चले थे वहाँ से? कल मॉर्निंग में मैं चला था और आज जो है सो 11:30 बजे पहुँचा। जैसा कि यहाँ पर आप जब चले हैं, प्रोग्राम में आए हैं, आपको जानकारी है यहाँ पे क्या चल रहा है? अवतरण दिवस चल रहा है हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल गुरु जी महाराज का। आज के दिन ही वो 8 सितंबर 1951 को हमारे गुरु जी का जो है सो जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष में हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं और हम लोगों का यही धाम है, यहीं पर आना है और इसी मार्ग में हम लोग लगे हुए हैं और समाज से बुराइयों का अंत करने के लिए गुरु जी ने यह उठा लिया है पैगाम और हम सभी शिष्य मिलकर के भारत के कोने कोने में जा करके पुस्तक सेवा और गुरु जी के आदेशानुसार जो भी आदेश मिलता है उसको हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोगों की संख्या यहाँ पर निरंतर बढ़ रही है, जबकि आज यहाँ पर पहला दिन है, पहले दिन में ही इतनी भारी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और आप मेरी लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर बैठकर भंडारा कर रहे हैं। जो देसी घी में भंडारा यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें लोग दूर दूर से आए हैं, जिसमें जगत के लोग इकट्ठे बैठकर एक साथ भंडारा कर रहे हैं और जिसमें महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था अलग से की गई है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।